सो हेलो गाइस, वेलकम बैक। आपके लिए लेकर आया फिर से एक नया वीडियो। तो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टिप्स टेक्निकल ज्ञान में। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिलती रहे। तो दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को पता है कि मैं बहुत सारी वीडियो बना चुका हूँ बैंक फिट के रिलेटिव, बट आज का जो वीडियो है वो होने वाला है बहुत ज़्यादा खास, क्योंकि दोस्तों मैं इसमें आप लोगों को जो है ऑनलाइन आईडी कैसे लेंगे ये प्रोसेस मैं ज़रूर बताऊंगा आपको। दूसरी बात, इसकी पार्ट टू वीडियो भी आने वाली है जिसमें इसमें कमीशन के बारे में मैं बताने वाला हूं, क्योंकि मैं आप लोगों को सर्विसेज के बारे में तो ज़रूर बताता हूं, बट जो है कमीशन के बारे में और रजिस्ट्रेशन प्रोसेस तो मैं आप लोगों को बताता ही नहीं। तो दोस्तों, इस रिलेटिव मैं ये वीडियो लेकर आया हूँ। तो सिंपली दोस्तों, आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए, वीडियो होने वाली बहुत छोटी, तो प्लीज़ यार वीडियो को स्किप या पोस्ट ना करें ताकि आपसे छोटी से छोटी जानकारी छूट सकती है, क्योंकि इसमें जो है मैं रजिस्ट्रेशन प्रोसेस करने वाला हूं, तो आपसे जानकारी ना छूटे मैं यही कोशिश करूंगा। तो दोस्तों, सिंपल यहां पे देख सकते हैं बैंक किट का जो ऑफिशियल वेबसाइट है, यहां पे मैं आ चुका हूं। और अगर आपको जो है कॉल करके आईडी लेनी है तो इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं, जो मतलब इसके हेड हैं, एमडी हैं या जो भी इसके सुपर डिस्ट्रीब्यूटर एजेंट्स हैं, वो आपको आईडी पासवर्ड प्रोवाइड कराएंगे। बट इसका जो है प्रोसेस होता है ऑफलाइन का, मतलब जैसे कि आप इस नंबर पर कॉल करते हैं, फिर वो आपको मेल करते हैं, फिर मेल पे आपको डॉक्यूमेंट सेंड करना होता है, 1499 रुपये का आपको पेमेंट करना होता है, मतलब 1500 रुपये का आपको पेमेंट करना होता है, तब जाके आपको 24 से 48 घंटे में आपको आईडी पासवर्ड का मैसेज आता है। वैसे तो आईडी पासवर्ड का मैसेज नहीं आता, सिर्फ एक एम पिन आता है आपके पास ओनली, जो आपका एम पिन आपको लॉगिन करने के लिए दिया जाता है, और नंबर वही होता है जो आप नंबर सेंड करते हो। तो दोस्तों, सिंपली मैं आपको बताऊं रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, तो सिंपली आपको यहाँ जाना है, यहाँ पे रिटेलर और यहाँ पे साइन अप का ऑप्शन दिखता है, तो अब मैंने ऑलरेडी साइन अप के ऑप्शन पे क्लिक किया हुआ है। और यहाँ पे जो है रजिस्ट्रेशन, यहाँ पे देख सकते हैं रजिस्टर, फिल दी बिलो डिटेल टू कम्प्लीट योर रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। तो यहाँ पे जैसे कि मैंने अपना नाम डाल रखा है मिस्टर रोहित, और यहाँ मेरा ऑफिशियल ईमेल आईडी है, मेरा मोबाइल नंबर, और मतलब इसके बारे में आपको जानकारी कहाँ से मिली तो मैंने यहाँ पे गूगल सर्च लिख रखा है। और दोस्तों, यहाँ पे मेरा लोकेशन दिल्ली है, और फिर भी मैंने दिल्ली सेलेक्ट कर रखा है, और यहाँ पे नोएडा सेक्टर 62 विश्वास मार्ग। और दोस्तों, सिंपली आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ से आपको सिंपली रजिस्टर नाउ पे क्लिक करना है ये सारे डिटेल फिल करने के बाद। और दोस्तों, जैसे आप ये डिटेल फिल करते हैं, उसके बाद आपको ये पेमेंट मोड पे लेके जाता है। दोस्तों, यहाँ पे आपको पेमेंट मोड पे लेके जाता है, यहाँ पे ओटीपी आपको देना होगा। यहाँ पे मेरे पास ओटीपी आ गया है 2763 48। दोस्तों, यहाँ पे सबमिट करना है, और सिंपली आपको ये पेमेंट मोड पे ले जाएगा, जहाँ पे आपको 1499 का, देखिए यहाँ पे आपको जो है पैकेज आपको बताता है। दोस्तों, यहाँ पे दोस्तों अगर आप जो है बेसिक प्लान लेते हैं तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा DMT APS ट्रैवल रिचार्ज एंड बिल पेमेंट सर्विस, जो आपको यहाँ पे 1499 में मिलने वाला है। अप्लाई फॉर KYC डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट रिटेलर रजिस्ट्रेशन फिजिकल वेरिफिकेशन इज मैंडेटरी फॉर दिस एक्टिवेशन ऑफ बैंकिंग सर्विस। फिजिकल वेरिफिकेशन इज मैंडेटरी फॉर द एक्टिवेशन ऑफ बैंकिंग सर्विस। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं डोमेस्टिक मनी ट्रांसफर, आधार इनमेट पेमेंट सिस्टम और प्रीपेड कार्ड, यहाँ पे यूटिलिटी बिल पेमेंट, रिचार्ज, फ्लाइट एंड बस बुकिंग, होटल एंड सेफ गोल्ड का ये आपको सर्विस मिल जाएगा। दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं ओनली जो है आपको डोमेस्टिक मनी ट्रांसफ़र और APS का यहाँ पे आपको ओनली आपको 350 में आपको मिलने वाला है, बट ये ओनली दो ही सर्विस आपको मिल सकता है। तो दोस्तों, ये सर्विस ना ही ले तो आपके लिए बेहतर होगा, क्योंकि आपको सारी सर्विसेज चाहिए। और यहाँ पे मैं आगे जो है मतलब जो है बिग पैकेज के बारे में बताऊँ आपको, तो यहाँ पे पेन सेंटर यहाँ पे आपको 5000 मिलने वाला है, इसमें सब कुछ होगा दोस्तों, सब कुछ A to Z पेन सेंटर भी आपको यहाँ मिल जाएगा। दूसरा आपको यहाँ पे आ जाता है माइक्रो ATM बैंक किट एजेंट, यहाँ पे आपको सब कुछ मिलता है 5498 रुपीज़ में आपको यहाँ पे पूरा कंप्लीट पैकेज मिलता है। अगर आप जो है कंप्लीट पैकेज लेते हैं, इसमें आपको माइक्रो ATM और सारी सर्विसेज, पेन सेंटर वगैरह A to Z सब कुछ आपको इसमें मिलता है। तो दोस्तों, मैं सजेस्ट करूँगा आप ये पैकेज लें, तीनों ही बेटर है, बट सबसे जो बेस्ट पैकेज है वो है ये और दोस्तों ये, क्योंकि बीच का जो पैकेज है वो सिर्फ ओनली आपको जो है पेन सेंटर दे रहा है 5000 में, लेकिन आपको 5498 रुपये में आपको यहाँ पे जो है पूरा कंप्लीट माइक्रो ATM पैकेज तक मिल जाता है। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगा, तो सिंपली चलिए हम इस 5000 वाले पैकेज को, 5498 रुपीज़ के पैकेज को हम क्लिक कर देते हैं, और यहाँ से हम देख लेते हैं हमारा पेमेंट। दोस्तों, देख सकते हैं यहाँ पे आपको जो है, अगर आप चाहें तो आप यहाँ से मोरफो MSO
जो आप ले सकते हैं यहाँ से, चाहे तो आप नहीं भी ले सकते हैं। यहाँ पे आपको मंत्रा MSF 100 भी आपको यहाँ मिल जाएगा 21 रुपये में, बट 21 रुपये में नहीं है दोस्तों, सॉरी। तो दोस्तों यहाँ पे आप मोर्फो अगर ले सकते हैं, चाहे तो आप ये भी ले सकते हैं, बट ये जो है बहुत ज़्यादा लो क्वालिटी का होता है। तो आपको यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करना है, और दोस्तों सिर्फ सिंपली आपको यहाँ से पेमेंट करना है। दोस्तों पेमेंट करने के बाद ये मत सोचेगा कि आपको इंस्टेंटली ID पासवर्ड मिल जाएगा, तो दोस्तों ये बिल्कुल फेक है। इंस्टेंटली ID पासवर्ड नहीं मिलता, सिर्फ आपको एक प्रोडक्ट की मिलती है। आपको जो आपने जो मेल ID, जैसे ये मेरा मेल ID है यहाँ पे MrRohitOfficial@gmail.com, तो दोस्तों यहाँ पे सिंपली आपको एक प्रोडक्ट की मिलती है, उस की को आपको आपको अपने पास रखना होता है। फिर एक वेरिफिकेशन एजेंट का कॉल आता है, फिर आपको वो कोड आपको बताना होता है, फिर डॉक्यूमेंट भी आपको, सॉरी दोस्तों डॉक्यूमेंट भी आपको सेंड करना होता है, पेमेंट भी आपको देना, सॉरी पेमेंट तो आप ऑलरेडी परचेस करते हो, बट पेमेंट नहीं देना होता, सिर्फ डॉक्यूमेंट सेंड करना होता है, फिर वेरिफिकेशन वीडियो KYC होती है, फिर उसके बाद मिलता है। तो दोस्तों ये तो आप देख चुके हैं कि यहाँ पे आप पेमेंट जो है आप किस मेथड से दे सकते हैं, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड और प्रीपेड पेमेंट जो भी है मुझे। तो दोस्तों आप यहाँ से पेमेंट तो आप कैसे भी दे सकते हैं दोस्तों, सिंपली। और एक तरीका है, आपको ना ही कहीं कोई बड़ा पैकेज लेना है, ना ही आपको आपका जो पैसा है उसे वेस्ट करना है। सिंपली दोस्तों वीडियो के ऊपर डिस्क्रिप्शन मेरा नंबर होगा, इस नंबर को नोट डाउन करिए, कॉल करिए। मेरा नाम है मिस्टर रोहित सिंह ठाकुर, आप मुझे कॉल करिए 24 आवर्स, साल के 365 दिन मेरा नंबर जो है ओपन रहता है। आप कभी मुझे कॉल कर सकते हैं और इसके बारे में इंक्वायरी जानकारी ले सकते हैं। और दोस्तों इसकी ID पासवर्ड मात्र आपको 1 से 1.5 घंटे में मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। वीडियो के ऊपर डिस्क्रिप्शन मेरा नंबर हो, आप प्लीज़ मुझे कॉल करें, एनी टाइम कॉल कर सकते हैं, कोई टाइम टेबल नहीं कि आप इस टाइम कॉल करें, इस टाइम ना करें, कि सर बिज़ी हूँ, ऐसा कुछ नहीं, एनी टाइम कॉल कर सकते हैं। तो दोस्तों सिंपली जो है मैं इसे कट कर देता हूँ, क्योंकि ये जो है ऑनलाइन प्रोसेस था, मैंने आपको ऑनलाइन पूरा प्रोसेस बता दिया है। जिन लोगों को जिन भाइयों को अच्छा लगता है वो जाके वहाँ से लें, और जिन भाइयों को अच्छा नहीं लगता है वो हमसे लें, तो वो आप पे डिपेंड करता है आप क्या करते हो। तो दोस्तों सिंपली यहाँ से लॉगिन कर लेते हैं। तो दोस्तों जैसे कि लॉगिन है ऑलरेडी, तो मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ डैशबोर्ड कैसा होने वाला है। तो दोस्तों आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे आपको रिचार्ज करने के लिए यहाँ पे आपको नंबर देना होगा, और APS यहाँ पे हो गया, कार्ड सर्विस हो गया, रिचार्ज, यूटिलिटी, ट्रैवल, फास्टैग, और दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे सेव गोल्ड ऑफर्स, इंश्योरेंस, अप्लाई पेन सेंटर, CMS, RICT और ऑर्डर डिवाइस सेटलमेंट्स। तो दोस्तों यहाँ पे ये है कंप्लीट ID, ये है दोस्तों कंप्लीट ID, जिसमें पेन सेंटर और दोस्तों माइक्रो ATM की सर्विसेज भी ऐड है। तो दोस्तों ये है कंप्लीट ID। तो चलिए दोस्तों APS का जो डैशबोर्ड है वो कैसा होने वाला है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो दोस्तों आप देख सकते हैं, आपको एक अगर आपकी जो नई ID उसमें आपने KYC कंप्लीट नहीं की है, जैसे आप लोगों को पता ही है कि बैंकेट के जो मतलब जो सर्विस है उसमें आपको 3 APS मिलता है, फिनो पेमेंट बैंक, और दोस्तों आपको यस बैंक और ICICI बैंक का। तो दोस्तों अगर आप ये जो KYC यहाँ से अगर आप KYC कंप्लीट करते हो उसके बाद आपको तीनों सर्विसेज प्रोवाइड होती हैं, वरना सिर्फ ओनली आपकी जो है यस बैंक की ही ओनली रहती है। तो दोस्तों यहाँ पे सिंपली मैं आपको बताऊं कि आपको बैलेंस इंक्वायरी मिनी स्टेटमेंट आप यहाँ से अभी निकाल सकते हैं, और अगर KYC आप कंप्लीट कर लेते हैं, जैसे KYC में कुछ ज़्यादा है नहीं, अपना मोबाइल नंबर दे सकते हैं, आधार नंबर और अपना पैन नंबर, जो भी बेसिक डिटेल्स वो दे सकते हैं, और आपको यहाँ पे सिंपली फिंगर कैप्चर करना है, सिंपली फिंगर पैक कैप्चर करना है और आपको यहाँ पे सबमिट कर देना है, बस आपका काम हो गया, आपकी KYC इंस्टेंटली हो जाती है दोस्तों, कोई ज़्यादा बड़ा टाइम नहीं लगता है। तो दोस्तों यार वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ यार लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को आप प्रेस कर देना, ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो की अपडेट सबसे पहले आप लोगों को मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों अलविदा लेता हूँ आप सब लोगों से, जल्दी लेकर आऊँगा फिर से एक नया वीडियो।